सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिरुपति एकेडमी। तो मेन बात अभी तक ये उठ रहा है कि क्या फिर से जेईई मेंस 2022 का एग्जाम जो होगा वो पोस्टपोन होगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियली नहीं पता चल रहा है। और साथ साथ आप सभी को यही सुनने में आ रहा होगा कि केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहा है, हर एक जगह जो है वो लॉकडाउन का सिनेरियो बन रहा है, सिचुएशन बन रहा है। तो क्या ऐसे में एग्जाम जो होगा वो पोस्टपोन होगा, और अगर पोस्टपोन होगा तो फिर कब एग्जाम होगा, ठीक है। ये सारे अपडेट के लिए आप लोगों को इस वीडियो को देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी टाइप का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो पहली तो आप सभी को पता ही है कि आप लोग जिस भी स्टेट में रह रहे हो, आप लोगों को पता ही है कि कोविड का ओमिक्रॉन केसेस का जो सिनेरियो है, सिचुएशन है, वो बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए जा रहा है, और केसेस जो है वो दिन पे दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हर एक स्टेट में क्या हो रखा है कि हर एक स्टेट में नाइट कर्फ्यू लगना स्टार्ट हो चुका है, काफी सारे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, काफी सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो यही पता चल रहा है कि मार्च तक में आप लोगों का जो है थर्ड वेव आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी बोली जा रही थी कि हो सकता है कि फरवरी में जो इलेक्शन होने वाले हैं, 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पे स्टेट इलेक्शंस होंगे, उसको भी पोस्टपोन किया जाएगा। बेसिकली अगर सारे हालातों को देखें तो ऑब्वियसली मार्च में भी एग्जाम होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अपने को ये तो पता चल गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू कि जो हमारे फरवरी के लास्ट वीक में जो एग्जाम होने वाला था वो जो है वो मार्च में पोस्टपोन हो गया, लेकिन मार्च के मंथ में भी एग्जाम होने के चांसेस नहीं लग रहा है, ठीक है ना। बेसिकली आप लोगों का एग्जाम और पोस्टपोन हो सकता है, और हो सकता है कि अप्रैल में आए, ठीक है ना, अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम। हालांकि जो भी ऑफिशियली आएगा वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। देखो मुद्दा ये है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी एग्जाम्स होना है, ठीक है ना। होता क्या है कि बच्चे जो है हमेशा से, मतलब पिछले ईयर भी यही चीज हुआ है, जब से कोविड का सिनेरियो आया तब से बच्चे क्या करते हैं कि एक सोचते हैं कि भाई इस टाइप का एग्जाम होगा, और उस चीज के लिए एक प्लानिंग करते हैं, और फिर जाके जैसे ही डेट शिफ्ट होता है बच्चा सोचता है कि अब और टाइम बढ़ गया, जिसकी वजह से लेसनेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, आप लोग अपना टारगेट बना के चलो, लास्ट ऑफ फरवरी यानी कि फरवरी जैसे ही खत्म होता है वैसे ही आप लोगों का जो सिलेबस है आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी एग्जाम होगा। मार्च नहीं तो अप्रैल, अप्रैल में तो मई, कभी ना कभी तो एग्जाम होगा ही होगा। और आप लोगों को यह समझ के चलना है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोगों का होगा उसकी में आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन भी कम होता है, कम मार्क्स में ही जो होता है आप लोगों का ज्यादा परसेंटाइल और रैंक बन जाता है। तो बेसिकली मुद्दा ये नहीं कि आप लोगों का जेईई मेंस का एग्जाम पोस्टपोन होगा, मुद्दा ये है कि आप लोगों को जो है वो फोकस होना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, अपने स्टडी पे ध्यान दो। क्योंकि हम बता रहे हैं ना, हमारे पास जो काउंसलिंग सपोर्ट हम लोगों ने अभी किया था, काउंसलिंग सपोर्ट में जो बच्चों का एडमिशन करा था आप लोगों के सीनियर का, बेसिकली काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके जो है वो 2, 4, 5, 10 मार्क्स की वजह से जो है उनका रैंक पीछे बिगड़ गया, जिसकी वजह से उनको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। और ये बात उसी को पता चलता है जिसके साथ ये चीज होता है, क्योंकि ड्रॉप का प्रेशर जो है एक उसी बच्चों का चलता है जो कि ड्रॉप कर रखा होता है, क्योंकि एक फैमिली प्रेशर ना उसी को फील आ पाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम नहीं चाहते कि हमारा जो व्यूअर्स के साथ ऐसा कुछ हो, अच्छे से स्टडी करो, जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले चैनल पर मिलेगा, सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना। और इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हमें पता चल सके कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।